नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी ने अभी तक अध्याय 5 तक कंप्लीटली पढ़ लिया है पूरी तरीके से। अब मैं आपको अध्याय 6 के बारे में बताऊंगा। अध्याय 6 आपका है वंशांगति का आणविक आधार, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी लक्षण जाते हैं उनका आणविक आधार क्या है, मतलब उसकी रासायनिक संरचना क्या है, कि मतलब किस कौन सा अणु है जो लक्षणों को माता पिता से संतान में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो इस अध्याय के अंतर्गत, अध्याय 6 के अंतर्गत आपको बताया जाएगा। वंशांगति का आणविक आधार मुख्यतः सिर्फ यह बताने के लिए है कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। ठीक, जैसा कि आप सभी जानते हैं आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए। ठीक है, और उसके बाद डीएनए की संरचना के बारे में इस चैप्टर में बताया जाएगा। डीएनए के कुछ गुणों के बारे में बताया जाएगा कि जैसे डीएनए रेप्लिकेशन करता है, कैसे एक अपनी संख्या बढ़ाता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे करता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है, ये सारे इस अध्याय के अंतर्गत आपको बताया जाएगा। ठीक, तो इस चैप्टर में सबसे मेन है आनुवंशिक पदार्थ के बारे में बताना कि कौन सा अणु आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। आनुवंशिक पदार्थ वह पदार्थ होता है जो माता पिता से लक्षणों को उनके संतान में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो आनुवंशिक पदार्थ के बारे में पहले के वैज्ञानिक में बहुत विविधता थी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था अध्याय 5 में मेंडल के प्रयोगों के बारे में, तो मेंडल के प्रयोग, फिर उसके बाद टीएच मॉर्गन का प्रयोग और फिर वाल्टर सटन का प्रयोग आदि वैज्ञानिकों प्रयोग के आधार पर यह तो पूरी तरीके से प्रमाणित था कि आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र पर ही स्थित होते हैं, लेकिन गुणसूत्र दो चीजों से मिलकर बना होता है। गुणसूत्र दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना होता है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं कि किस तरह से इसकी संरचना होती है। गुणसूत्र दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। इस तरह से गुणसूत्र में डीएनए इस तरह से अरेंज होता है। यदि हम डीएनए को खोलकर देखते हैं तो हमें ऐसी संरचना प्राप्त होती है। यदि हम इतना सिरा इसका खोलकर देखते हैं तो डीएनए हमें इस तरह से नजर आएगा। बहुत ही हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में अरेंज होती है और इसे कहते हैं गुणसूत्र। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, इस ये जो डीएनए है, गुणसूत्र में जो डीएनए होता है वह चार प्रकार के प्रोटीन, जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, चार प्रकार के प्रोटीन को भी साथ में लिए होता है। इन चार प्रकार के प्रोटीन का नाम होता है H2A, H2B, H3 और H4। चार प्रकार के ये जो प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन, इनको डीएनए इस तरह से रैप किए होता है, इस तरह से रैप किए होता है। मतलब एक बॉल है, बॉल की तरीके से ये अरेंज होते हैं, और जैसे बॉल पर हम एक रस्सी का बॉल, एक बॉल पर एक हम रस्सी ऐसे लपेट दें, उसी तरीके से प्रोटीन पर डीएनए ऐसे रैप्ड होता है। ठीक है, उसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। चार प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं H2, H2B और H3, H4। तो गुणसूत्र दो चीजों से मिलकर बना होता है, डीएनए और हिस्ट प्रोटीन, हम कह सकते हैं न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो पहले के वैज्ञानिकों में ये बड़ी विविधता थी कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है या न्यूक्लिक अम्ल। पहले के वैज्ञानिक यही मानते थे कि प्रोटीन ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, लेकिन बाद में अनेक प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित हुआ कि नहीं, प्रोटीन नहीं, न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिच मिशर ने किया था। चूंकि न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में पाया जाता है,
केंद्रक जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में पाया जाता है, इसीलिए मिसर ने इसका न्यूक्लिक अम्ल का नाम न्यूक्लिन रखा, डीएनए का नाम न्यूक्लिन रखा या न्यूक्लिक अम्ल का नाम न्यूक्लिन रखा। बाद में अल्टमान ने, बाद में दूसरे वैज्ञानिक जिसका नाम है अल्टमान, उन्होंने इस डीएनए के इस डीएनए के अम्लीय प्रवृत्ति के कारण इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल रखा, न्यूक्लिक अम्ल रखा। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? फ्रेडरिच मिसर ने। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? फ्रेडरिच मिसर ने। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी। स्वीडन के वैज्ञानिक थे ये, स्वीडन के वैज्ञानिक फ्रेडरिच मिसर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की, और इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल को पस कोशिकाओं में देखा था, और चूंकि यह पदार्थ केंद्रक में पाया जाता है इसीलिए इसका नाम इन्होंने न्यूक्लिन रखा। बाद में दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम अल्टमान है, इसके अम्लीय प्रवृत्ति के कारण इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल रखा। ठीक, बाद में पता चला कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, एक होता है डीएनए जिसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, और दूसरा आता है, आरएनए जिसका पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? फ्रेडरिच मिसर ने। इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल किसने दिया? अल्टमान ने। न्यूक्लिन नाम किसने दिया? फ्रेडरिच मिसर ने। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल सिर्फ दो प्रकार के पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। यह हो गया न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। अब एक और चीज कि किसमें कौन सा, देखिए हमने आपको बताया कि न्यूक्लिक अम्ल ही प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित हो गया कि न्यूक्लिक अम्ल ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। जैसे कि पहले विवादित था कि गुणसूत्र पे ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, ये तो तय था, लेकिन गुणसूत्र पर दो चीज होते, एक न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता, प्रोटीन भी पाया जाता। तो पहले यह अनिश्चितता थी कि कौन सा पदार्थ आनुवंशिक पदार्थ है, न्यूक्लिक अम्ल है या प्रोटीन। तो मैंने बताया कि बहुत सारे प्रयोगों के आधार पर यह पता लगाया गया कि न्यूक्लिक अम्ल ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का, डीएनए और आरएनए। इनमें से डीएनए सभी सजीवों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, सिवाय कुछ विषाणुओं को छोड़कर बाकी सब में डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। कुछ विषाणुओं जैसे, हम कुछ एग्जांपल दे दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, टीएमवी जिसका पूरा नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी, एचआईवी वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस में, सिवाय कुछ विषाणुओं जैसे इनको में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, ठीक है।
तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का, डीएनए और आरएनए। डीएनए सभी सजीवों में आनुवंशिक पदार्थ के कार्य करता है, लेकिन कुछ विषाणुओं को छोड़कर। कुछ विषाणु जैसे टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, एचआईवी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन विषाणुओं में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य ना करके आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। 72 बार पूछा गया है, इसलिए आप अच्छे तरीके से इस पॉइंट को याद कर लीजिए कि किसमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, टीएमवी, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। बाकी सभी सजीवों में डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो ये था आपका न्यूक्लिक अम्ल के छोटा सा पार्ट, थोड़ा सा बता दिया मैं आपको। अब डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसके बारे में कुछ प्रयोग। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। देखिए सन 1902 में सटन व बोवेरी ने यह प्रस्तावित किया कि आनुवंशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों के माध्यम से जाती हैं, स्थानांतरित होती हैं। ठीक, याद रखिएगा 1902 में सटन व बोवेरी ने यह प्रस्तावित किया कि आनुवंशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों के माध्यम से स्थानांतरित होती हैं। लेकिन फिर भी अनेक वर्षों तक यह विवाद बना रहा कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है या प्रोटीन। तो अब हम कुछ प्रयोगों के बारे में बताएंगे जो प्रयोग यह सिद्ध करते हैं कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है, डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने के पक्ष में प्रमाण। डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने के पक्ष में प्रमाण। अब कुछ प्रयोगों के बारे में बताएंगे। सबसे पहला प्रयोग है ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। फ्रेडरिच ग्रिफिथ ने यह प्रयोग किया और यह प्रयास किया जानने की कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। इन्होंने कुछ स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु जिसका नाम है न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ग्रिफिथ ने स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी पर, या एक जीवाणु का नाम है, या तो हम न्यूमोकोकस कहिए या डिप्लोकोकस न्यूमोनी कहिए, या एक ऐसा जीवाणु है जो निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। ग्रिफिथ ने इस जीवाणु पर अपना प्रयोग किया। ग्रिफिथ ने इस डिप्लोकोकस न्यूमोनी के दो विभेद प्राप्त किए। ठीक, याद कर लीजिए, जल्दी से इसको याद कर लीजिए कि निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम क्या है, न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस न्यूमोनी के दो विभेद प्राप्त किए। चलिए अब उसको हम बताते हैं कि दो विभेद कौन कौन से थे। ग्रिफिथ ने
डिप्लोकोकस निमोनी के दो विभेद प्राप्त किए। पहले विभेद को कहते हैं उग्र विभेद, मतलब कह सकते हैं बैक्टीरिया के टाइप। ठीक है, दो टाइप थे, उग्र विभेद जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वायरुलेंट स्ट्रेन, या हम इसे एक और नाम से जानते हैं एस स्ट्रेन। इसको याद रखिएगा, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। ठीक, तो एस स्ट्रेन, इस जीवाणु के बारे में कुछ पॉइंट याद करिएगा। जैसे इस विभेद के जीवाणु, चिकनी भित्ती स्मूथ वॉल्ड होते हैं। ठीक, इनका बाहरी आवरण पॉलीसेक्राइड का बना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जीवाणु चिकनी भित्ती वाले होते हैं। और दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्ट्रेन के जीवाणु के बारे में, वो ये, यह न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होता है। ठीक, तो याद रखिएगा, ये पहला विभेद है डिप्लोकोकस निमोनी का, बैक्टीरिया का पहला विभेद है, जो कि चिकनी भित्ती वाला स्मूथ वाल्ड होता है, हम इसे उग्र विभेद कहते हैं। इसको याद रखिएगा, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। अब याद रखिए, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का भित्ति चिकनी होती है और इसका बाहरी आवरण पॉलीसेक्राइड का बना होता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि यह निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम है। मतलब यदि हमारे शरीर में एस स्ट्रेन वाला डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया आ गया तो हमारे शरीर में यह निमोनिया रोग उत्पन्न कर देगा। दूसरा विभेद इन्होंने प्राप्त किया जिसे हम कहते हैं अनुग्र विभेद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन वायरुलेंट, या हम इसे कहते हैं आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। अब इसकी खास बात क्या है, तो इस विभेद के जीवाणु की जो भित्ति है खुरदुरी भित्ति वाला है। यहां पर देखिए चिकनी भित्ति वाला था, लेकिन ये है खुरदुरी भित्ति, इसे इंग्लिश में कहते हैं रफ वॉल्ड। देखिए रफ वॉल्ड के आर की वजह से ही इसका नाम रखा गया आर स्ट्रेन, और यहां पर एस की वजह से रखा गया है इसका नाम एस स्ट्रेन। तो ये सब बातें भी याद रखिएगा, जीवाणु की जो भित्ति है वो खुरदुरी है, किसकी, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया की। दूसरा, इसमें कोई भी पॉलीसेक्राइड का आवरण नहीं पाया जाता। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि यह निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता, या निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो ग्रिफिथ ने किस बैक्टीरिया पर अपना प्रयोग किया, ग्रिफिथ ने निमोकोकस या डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया पर अपना प्रयोग किया। यह बैक्टीरिया स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। ठीक, इस बैक्टीरिया के कितने विभेद प्राप्त किए, इस बैक्टीरिया के उन्होंने दो विभेद प्राप्त किए, एक उग्र विभेद और दूसरा अनुग्र विभेद। उग्र विभेद जिसे हम एस स्ट्रेन कहते हैं, एस स्ट्रेन याद रखिएगा, उग्र विभेद जिसे हम एस स्ट्रेन कहते हैं, इस स्ट्रेन का जो जीवाणु है वह चिकनी भित्ती वाला है, इसका बाहरी आवरण पॉलीसेक्राइड का बना हुआ है, और यह निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होता है। यदि एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में निमोनिया रोग उत्पन्न कर देगा। लेकिन जो दूसरा विभेद है, दूसरा टाइप का डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया है आर स्ट्रेन,
वह रफ वर्ड है खुरदरी भित्ति वाला, इसमें कोई पॉलीसेक्राइड कार्बन नहीं पाया जाता और यह निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कर सकता। मतलब यह हमारे शरीर में प्रवेश भी कर जाए तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है, निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करेगा। अब ग्रिफिथ ने इन दोनों जीवाणुओं को बारी बारी से चूहों में प्रवेश कराकर प्रयोग किया और देखा कि क्या होता है। ठीक, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या उन्होंने किया था चूहों में इन दोनों बैक्टीरिया के साथ। इन दोनों बैक्टीरिया को बारी बारी से चूहे में इंजेक्ट कराया। तो सबसे पहले इन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस के साथ इंजेक्ट कराया। ठीक, तो माइस के साथ इंजेक्ट कराने पर देखा माइस डाइड, चूहा मर जाता है। माइस मीन्स चूहा। ठीक, जब चूहे में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट कराया तब चूहा थोड़ी देर बाद मर गया। क्यों? क्योंकि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होता है और चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न हुआ और चूहा मर गया। फिर दूसरा इन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को इन्होंने माइस में इंजेक्ट किया। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया और देखा कि माइस लाइव, मतलब चूहा नहीं मरा, चूहा अभी भी जीवित था। क्यों? क्योंकि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया तो निमोनिया रोग उत्पन्न कर ही नहीं सकता, तो जब इसको माइस में चूहे में इंजेक्ट कराया गया तो चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं हुआ और यह जीवित रहा। ठीक, अब ग्रिफिथ ने क्या किया, इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके मार दिया। हम कह सकते हैं हीट किल्ड एस बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को गर्म करके मार दिया। अब मारने के बाद उसे चूहे में इंजेक्ट कराया, तो सी प्रयोग था हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को इन्होंने चूहे में प्रवेश कराया और फिर देखा चूहा अभी भी जीवित था, माइस लाइव। जब इन्होंने गर्म किए हुए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को चूहे में प्रवेश कराया तो चूहा अभी भी जीवित था। ठीक, क्यों? क्योंकि यहां पर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को गर्म करके मार दिया गया है तो यह निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं था। अब इस बैक्टीरिया को चूहे में जब प्रवेश कराया गया तो चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं हुआ और चूहा अभी भी जीवित था। फिर चौथा प्रयोग इन्होंने क्या किया, चौथा प्रयोग इसी हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ मिक्स करके माइस में इंजेक्ट किया और देखा माइस डाइड। ठीक है, अब चूहा मर गया। देखिए, जब हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को गर्म किए हुए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को चूहे में इंजेक्ट कराया गया तो चूहा नहीं मरता है क्योंकि बैक्टीरिया मर चुके हैं, लेकिन जब इसी मरे हुए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ मिक्स करके जब चूहे में प्रवेश कराया गया तो चूहा मर जाता है। ऐसा क्यों हुआ? तो ग्रिफिथ ने अध्ययन करके यह ज्ञात किया कि कोई पदार्थ था जो इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से स्थानांतरित हो गया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में, और सॉरी हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से कोई पदार्थ आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में स्थानांतरित हो गया और आर स्ट्रेन के कुछ कोशिकाओं को रूपांतरित कर दिया एस स्ट्रेन में। अब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया बन जाने की वजह से चूहा मर जाता है। ठीक है, लेकिन ग्रिफिथ ने यह सिद्ध नहीं कर पाए कि
कि कौन सा कारक था जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में आया या ग्रिफिथ सिद्ध नहीं कर पाए। ठीक, तो ये था आपका ग्रिफिथ का प्रयोग। ग्रिफिथ ने यहां तक तो पता कर लिया कि कोई ऐसा पदार्थ था जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया, इसी को कहते हैं रूपांतरित कारक। लेकिन ये पता नहीं कर पाए कि रूपांतरित कारक क्या था, डीएनए था, प्रोटीन था या आरएनए था। ठीक है, तो ये था आपका पहला प्रयोग, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। ग्रिफिथ के प्रयोग से इसका कोई संकेत नहीं मिला कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। बाद में इन्हीं के प्रयोगों के द्वारा, इन्हीं के प्रयोगों के संकेतों को फिर से अध्ययन किया तीन वैज्ञानिकों ने, एवेरी, मैकलॉयड, मैकॉर्टी ने, प्रयोग करके अंततः सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक, तो ये जो आपका प्रयोग है जो तीन वैज्ञानिकों ने किया था, एवेरी, मैकलॉयड, मैकॉर्टी, इस प्रयोग को मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक, तो याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।